नमस्कार। क्या आने वाली पीढ़ियों को हम ये कह पाएंगे कि हमने डॉक्टर कलाम को देखा था? यकीनन। देश के जो हालात हैं, जिन स्थितियों में ये देश गुजर रहा है, उसमें एक शख्स कुछ इस तरीके से ख्वाब लिए चलता है और उसके जरिए जिंदगी जीता है कि लगता वाकई है ये सब कुछ ख्वाब ही तो है। तो कलाम साहब के बहाने कहानियां, सपने, उड़ान, उम्मीद या फिर प्रवास देने वाले हौसले, जो कहिए, उनकी कामयाबियों के किस्से कौन नहीं जानता, मगर उन कामयाबियों के पीछे क्या दास्तां थी, संघर्ष की, सादगी की, गजब के समर्पण की। कलाम साहब हमारे बीच नहीं, मगर ये किस्से इंसानी नस्ल के लिए सदियों तक प्रेरणा देने वाले हैं। आइए, मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले अब्दुल कलाम की जिंदगी के ये पहलू आपको दिखाते हैं। वो अपनी दास्तां कहते कहते सो गए उस चिर निद्रा में जिसमें पलकें फिर नहीं खुलती। वो आंखें जो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, उन्हें हकीकत की जमीन पर गढ़ने का हुनर सिखाती थी। वो हमेशा के लिए बंद हो गई, मगर सपनों की उड़ान आखिरी सांस के साथ भी नहीं थमी। उड़ान, एक लफ्ज में कहें तो यही कलाम साहब की जिंदगी का फलसफा था। साइंस से लेकर सपने तक का एक ही व्याख्यान, तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। शुरुआत होती है सपनों की इसी उड़ान से, जानने की उस जिज्ञासा से जो आगे चलकर विज्ञान की उड़ान को नई दिशा देने वाली थी। वो उड़ान थी चिड़ियों की। तब पांचवी क्लास में पढ़ते थे अब्दुल कलाम। आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखना उन्हें खूब भाता था। एक दिन क्लास में टीचर से पूछ बैठे, आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे हैं? सवाल बहुत सहज था, हर किसी के मन में उठता है, मगर इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। वो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जिक्र कलाम साहब अक्सर करते थे। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने की प्रेरणा उन्हीं को बताते थे। कलाम साहब के मुताबिक उनके सवाल का जवाब समझाने के लिए सुब्रमण्यम अय्यर पूरी क्लास के बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर पूरी तकनीक बताई। इसके पीछे पक्षियों के शरीर की बनावट भी विस्तार से बताई। नन्हे कलाम को उस दिन सिर्फ अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि मासूम आंखों को एक सपना भी मिल गया। उड़ान का सम्मोहन उनकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। लेकिन वो सपना सच कैसे होता? हालात तो ऐसे थे कि पतंग भी बड़ी मुश्किल से उड़ाने को मिलती। கணர் கணர் அதே கல்லை போட்டு போவார், ஒரு செங்கலை போட்டு பார்ப்பார். இந்த குமிழி வருது ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். பட்டமெல்லாம் ஏறி விட்டு பறக்கிறது, ஏரோப்ளான் மாதிரி சும்மா காய்ச்சல் செய்யுது. सात भाई बहनों में अपने माँ बाप के दुलारे तो बहुत थे अब्दुल कलाम, लेकिन घर की माली हालत ऐसी कि दो वक्त के खाने की भी चिंता रोज रहती। नन्हे कलाम को रोटियां खाना बेहद पसंद था, जबकि उस इलाके में चावल की फसल ज्यादा होती थी, लेकिन माँ उनके लिए दो रोटियों का इंतजाम रोज करती। एक दिन माँ ने अपने हिस्से की रोटी उन्हें परोस दी। अब्दुल कलाम को ये बात भाई से पता चली तो बेहद भावुक हुए। माँ से पहले खाना उन्हें फिर भी गवारा नहीं हुआ। 10-12 साल के होते होते अब्दुल कलाम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पूरा हो गया था। पिता जैनुल आबदीन पेशे से नाविक थे, रामेश्वरम आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को नाव किराए पर देते थे, लेकिन चक्रवात में वो नाव भी टूट गई। पढ़ाई जारी रखने के साथ घर में आमद भी बनी रहे, इसके लिए साइकिल से अखबार बेचते। इसी दौरान वो पूरा अखबार भी पढ़ जाते। पढ़ने की ललक इतनी कि रोज सुबह 4 बजे ही उठ जाते और नहाकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते। सुबह सुबह नहाने की वजह ये थी कि गणित के शिक्षक उन्हीं 5 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे जो सुबह 4 बजे नहा कर आते थे। 5 बजे ट्यूशन से लौटने के बाद अब्दुल कलाम घर से 3 किलोमीटर दूर धनुषकोड़ी रेलवे स्टेशन जाते, वहां से अखबार ले आते और घूम घूम कर बेचते। अखबार बेचने के बाद तैयार होकर स्कूल जाते, शाम को लौटते तो अखबार के पैसों की वसूली के लिए जाते। थकान को कभी अपने सपनों की उड़ान के आड़े आने ही नहीं दिया। जब मैं घर घर अखबार बांटकर वापस आता था तो माँ के हाथ का नाश्ता तैयार मिलता। पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा था, जिससे मैं
रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। पढ़ाई के साथ पक्षियों की उड़ान से जगा सपना हमेशा युवा अब्दुल कलाम की आंखों में तैरता रहा। तब वो एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते थे। ख्वाहिश थी पायलट बनने की, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। भर्ती 8 लोगों की होनी थी, लेकिन टेस्ट में अब्दुल कलाम का नंबर 9 आया। सपना पूरा नहीं हुआ, मगर उस नाकामी के बाद भी उड़ान का जोश दोगुना हो गया। आज तक ब्यूरो। आपकी पीढ़ी से पूछिएगा तो कहेगा जी सपने तो देखने चाहिए, लेकिन कलाम साहब कहते थे सपना वो नहीं जो नींद में आए, बल्कि सपना तो वो है जो नींद ही ना आने दे। युवा अब्दुल कलाम का सपना नींद का सपना नहीं, बल्कि जागती आंखों का सच था। एक ऐसा सच जिसके लिए संघर्ष चाहिए, पढ़ाई, विज्ञान की ललक, लगन, सब कुछ चाहिए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 3 रात तक जगकर अपनी थीसिस पूरी की, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल सके। स्थिति इतनी बार नहीं है, डिग्री मिली तो उसके बाद स्पेस साइंस की दिशा में बढ़ते हुए, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। आसमान सामने खड़ा था, लेकिन पांव जमीन से हिल नहीं रहे थे। डॉक्टर कलाम का मतलब यही था। बारिश में सभी चिड़ियां बसेरा ढूंढती हैं, मगर बाज पानी से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। कलाम साहब की फितरत में कुछ यूं बसती थी कुदरत। विज्ञान की बुलंदियां इन्हीं दलीलों से हासिल की गईं। हौसले की उड़ान कुछ ऐसे ही तय की गई। देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल से लेकर परमाणु परीक्षण और 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल तक, कामयाबियां तमाम हैं कलाम साहब के नाम, मगर इन्हें हासिल करने का जज्बा इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल बन गया। शुरुआत होती है 1960 से, जब युवा सपनों को आकार देने के लिए अब्दुल कलाम दिल्ली आए और रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास और अनुसंधान विभाग में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक का कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सेना के लिए छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, सुपरसोनिक लक्ष्यभेदी विमान का खाका तैयार किया। सपनों की वही उड़ान 1969 में नया मोड़ लेती है, जब अब्दुल कलाम इसरो में देश के पहले स्पेस लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाकर भेजे गए। तब अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नया नया ही बना था। अब्दुल कलाम के साथ तमाम वैज्ञानिक रॉकेट और प्रोजेक्ट के दूसरे सामान साइकिल और बैलगाड़ियों से साइट तक ले जाते थे। 70 के पूरे दशक में सपनों के लिए संघर्ष कुछ ऐसे ही चला। राजा रमन्ना जैसे सीनियर के साथ वो पहले परमाणु परीक्षण के गवाह बने, देश के पहले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया। कामयाबी की पहली उड़ान 1980 में भरी, जब रोहिणी नाम का सैटेलाइट धरती की कक्षा के करीब स्थापित कर दिया। कलाम साहब की उस कामयाबी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खासी प्रभावित हुईं। उन्हीं की सलाह पर एडवांस और गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। कहा जाता है कैबिनेट ने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अब्दुल कलाम के मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंड का इंतजाम किया। आज की अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान की ताकत का परचम लहरा रहे हैं। और दुनिया 11 और 13 मई 1998 का वो दिन कैसे भूल सकती है, जब तमाम बंदिशों और अमेरिका जैसे देशों के जासूसी सैटेलाइट की निगरानी के बावजूद भारत पोखरण में परमाणु टेस्ट करने में कामयाब रहा। यह कलाम साहब की ही काबिलियत थी कि दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। तब कलाम साहब प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन कलाम साहब ने मना कर दिया। उनकी योजना तो देश को परमाणु ताकत के आधुनिक पहलुओं से लैस करने की थी। मार्च 1998 में वो पूरे प्रोजेक्ट के साथ पीएम से मिले और न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उसी मुलाकात में परमाणु परीक्षण को मंजूरी मिल गई। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। कलाम का कोडनेम रखा गया मेजर पृथ्वीराज। टेस्ट की तैयारियों के साथ एक चुनौती और भी थी, अमेरिकी सैटेलाइट को भनक नहीं लगने देने की। इसके लिए कलाम साहब अपनी टीम के साथ रात में काम करते, पोखरण साइट पर आने जाने के लिए अलग रास्तों का इस्तेमाल किया करते। टेस्ट से पहले अमेरिका के जासूसी उपग्रहों को गुमराह करने के लिए
पोखरण से दूर अलग इलाके में सेना की गतिविधियां बढ़वा दी ताकि जासूसी उपग्रहों का ध्यान उधर चला जाए। 11 मई को पहले टेस्ट और 13 मई को तीन और टेस्ट तक दुनिया को भनक तक नहीं लगी, और जब लगी तब तक कलाम पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के नायक बन चुके थे। रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से अलंकृत किया था, लेकिन इस दौर में आप किस शब्द के साथ डॉक्टर कलाम का नाम जोड़ेंगे जो भी तय कीजिए, लेकिन कामयाबियां उनके पीछे थी, एक के बाद एक फेरिस्त के जरिए जुड़ती चली गई। लेकिन उनके पास क्या था, ना अपना घर, ना अपनी खरीदी जमीन, ना कोई गाड़ी। राष्ट्रपति बनने के बाद जो भी था वह भी दान में दे दिया। दो सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन आए थे और यूं ही चले गए। देश के संवैधानिक प्रमुख रहे शख्स की जिंदगी में सादगी की यह मिसाल किस रूप में कैसे चलती चली गई, देखिए जरा। हिंदुस्तान की सामरिक ताकत और अंतरिक्ष में तकनीकी उड़ान के नायक अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति बने तब चर्चा एक ही थी, मिसाइल मैन की सादगी। देश के लिए समर्पण तो दुनिया पहले ही देख चुकी थी, सुर्खियों में थी सादगी। वो सादगी उनकी पूरी शख्सियत में दिखती थी, मगर ये कहानी तो तब शायद ही किसी को पता चली। जब राष्ट्रपति बने तो दो सूटकेस लेकर राष्ट्रपति भवन में आए थे, और जब राष्ट्रपति भवन से वापस गए तो हमेशा ये कहते थे कि दो सूटकेस हैं और मेरी किताबें हैं। और जब राष्ट्रपति बने 2002 में तो मिलिट्री की कई ट्रक्स और वैन्स और ये सब एशियाड विलेज गए जहां वो रुकते उस टाइम रहते थे एज साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो लोग समझे कि राष्ट्रपति मूव कर रहे हैं तो बहुत कुछ सामान होगा, तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने क्यों तकलीफ की, मेरे पास तो सिर्फ दो सूटकेस हैं जो कार में रख के चले जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में दो सूटकेस के साथ आए और 5 साल बाद इसी तरह विदा भी हुए कलाम साहब, लेकिन अपने साथ कई चीजें बदल गए राष्ट्रपति भवन में। 75 साल पुराने किचन के पुराने बर्तनों को सहेज कर किचन म्यूजियम बनवाया, अशोक हॉल को नए सिरे से सुसज्जित किया, बच्चों से आए तोहफों को सहेज कर अलग संग्रहालय बनाया, मुगल गार्डन की सैर करने वालों के लिए पानी और स्नैक्स का इंतजाम कराया। वो बदलाव आज भी दिखता है, खानसामे से लेकर बटलर तक कलाम साहब की वो सादगी याद करता है। कि हम लोगों के अपने 5 साल उनके साथ रहे, तभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम प्लेट ऑफ इंडिया के पास नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। उनका नेचर ऐसा था, हमको उन्होंने ऐसा रखा था अपने कोई मदर फादर अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं। हमारे बच्चों को भी अच्छी तरह जानते थे वो। अच्छा। हमारे बच्चे बहुत लाइक करते थे। जब हमने कल सुना तो पूरी रात बच्चे न सो पाए न हम सो पाए। सादा जीवन उच्च विचार की जीती जागती मिसाल बने रहे कलाम साहब। राष्ट्रपति बनने के बाद तो अपनी बची खुची संपत्ति भी दान कर दी। इसकी दलील दी, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ, मेरी देखभाल तो आजीवन अब सरकार करेगी, अब मैं अपनी बचत और वेतन का क्या करूंगा। जब तक राष्ट्रपति भवन में रहे कलाम साहब, मिलने आने वाले करीबियों और रिश्तेदारों पर खर्च अपना किया। राष्ट्रपति भवन के स्टाफ को ये कहा कि इन सबका खर्चा मैं पे करूंगा, इनका जो बिलिंग हो आप मेरे ऊपर करिएगा, मेरे मेहमान हैं। राष्ट्रपति भवन की गाड़ियां उनको लेने नहीं गई, उन्होंने टैक्सीज अरेंज की एज राष्ट्रपति ऑफ भारत, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अरेंज टैक्सीज फॉर फेरिंग हिज रिलेटिव्स फ्रॉम स्टेशन टू राष्ट्रपति भवन। कलाम साहब की सादगी का एक पहलू और था, राष्ट्रपति भवन के पशु पक्षियों से खास लगाव, मोर से लेकर घोड़ों तक इलाज खुद खड़े रहकर कराया। सेना के कैवेलरी डिवीजन के एक घोड़े को आंख से दिखना बंद हुआ तो वेटनरी स्पेशलिस्ट से उसका ऑपरेशन कराया, एक मोर का पांव टूट गया तो उसकी प्लास्टर पट्टी करवाई। 2007 में राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने खुद को बच्चों और युवाओं के लिए समर्पित कर दिया, और होनी देखिए मौत भी आई तो उन्हीं युवाओं के बीच जिनकी ऊर्जा वो 84 की उम्र में भी महसूस करते थे। अमर रहे।
स्मिता शर्मा के साथ आदिर खान, दिल्ली आज तक। आखिरी सांस के साथ चिंता देश की ही बनी रही और उनमें से एक ये कि कैसे देश की संसद सुचारू रूप से चले। ये बात वो IIM शिलोंग के स्टूडेंट से पूछने ही वाले थे, मगर जिंदगी की डोर बीच में ही टूट गई। ये सवाल अब देश के राजनेताओं के सामने है और यह वाकई आने वाली पीढ़ियों को हम कह पाएंगे हमने डॉक्टर कलाम को देखा था। तो श्रद्धांजलि के साथ क्या वो कलाम साहब की ये इच्छा पूरी करेंगे राजनेता? खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन एक डोर टूटी है फिलहाल।